क्या है लास्ट दो सिंस की कहानी, किस सिंस को सबसे ज्यादा बुरा माना गया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्रैट स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, गॉडफादर अपकमिंग मूवी है तेलुगु इंडस्ट्री की, जो एक रीमेक होने वाली है मलयालम मूवी ल्यूसिफर की, जो कि आई थी 2019 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं, पर उनका कैमियो इस मूवी का बेस होने वाला है, क्योंकि सलमान खान इस मूवी में ल्यूसिफर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो जहां मैंने आपको पिछले वीडियोस में 7 deadly sins में से 5 sins के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को 6th और 7th sins के बारे में बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों के इस सिलसिले को। तो दोस्तों, छठा पाप ग्रीड है, जिसका अर्थ होता है लालच या फिर लालसा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान एनवी और ग्लूटनी है तो वह ग्रीड भी जरूर होगा। एक लालची इंसान हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों को दबाता है, और इसे एक पाप माना गया है। ग्रीड से रिलेटेड डेमन का नाम है मैमन, और ये लोगों को पैसों का लालच देकर उन्हें दिन प्रतिदिन ज्यादा लालची बनाते जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी इंसान की आस्था गॉड में है तो उसे बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी आस्था मैमन में पड़ जाती है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वह भगवान को चंद रुपए का प्रसाद चढ़ाकर उनसे करोड़ों की मांग करते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी भक्ति भगवान में है, लेकिन असल में उनकी भक्ति मैमन में है। एक लालची इंसान को नरक में तेल की कढ़ाई में जिंदा उबाला जाता है, और ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। 7वां और आखिरी पाप स्लॉथ, जिसका अर्थ होता है लेजीनेस या आलस करना। इसे इन 7 पापों में सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि जो इंसान आलसी है वह अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है, और अपने हर एक फेलियर के लिए वह दूसरे को दोष देता रहता है। कई बार तो वह ये भी बोलता है कि उसके जीवन में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं वह सभी भगवान की वजह से ही हैं। स्लॉथ से जुड़े डेमन का नाम है अबैडन। अबैडन को बाइबल में एज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और एज एन एंजल ऑफ अब्यूज दर्शाया गया है। एक आलसी इंसान को नरक में सांपों के बीच फेंक कर सजा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 deadly sins जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र किया था। अगर आज के टाइम पर इन्हीं सिंस को देखा जाए तो हर एक इंसान में कम से कम एक सिंस तो है। अब इन 7 तरीके के डेडली सिंस के अलावा भी कई सारे पाप होते हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि इन्हीं फीलिंग्स की वजह से इंसान दूसरे गलत काम करता है, जिसका मतलब है ये 7 deadly sins प्राइमरी सिंस हैं। इनके अलावा जो भी सिंस दुनिया में हो रही हैं, ये सब इन्हीं 7 sins की वजह से हैं। अब हेल में सजा की बात कितनी सच है, ये तो हम में से किसी को नहीं पता, पर इस कहानी के जरिए हम इंसानों के अंदर डर बैठाने की कोशिश की गई है, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। 7 deadly sins को इंडियन मूवी में अपरिचित में डिस्क्राइब किया हुआ है, और पर्सनली ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, तो आप परिचित मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को हॉलीवुड मूवी 7 रिकमेंड करूंगी, जो कि पूरी तरीके से 7 deadly sins पर बनी है, एंड ट्रस्ट मी, आज तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है पूरे वर्ल्ड वाइड। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, कई जगह की रेटिंग भी यही कहती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बॉलीग्रैट स्टूडियोज़। हम फिर मिलेंगे और नई वीडियोज़ के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।